नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस एपिसोड में। जैसा कि पूरे देश में जो 21 दिन की लॉकडाउन की प्रक्रिया चल रही है, उसी लॉकडाउन को अच्छी तरह से पालन करने के लिए जो दोबारा खोरीबारी पुलिस प्रशासन की ओर से 31/3/2020 को प्रचार किया गया था, उसका असर आज 1/4/2020 पाइंडिंग की इंडो नेपाल सीमा अंतर्गत देखने को मिला। यहाँ रास्ते पूरे खाली पड़े थे, सारी दुकानें बंद पड़ी थी, सारे लोग अपने अपने घरों में दुबके पड़े थे। सभी लोगों ने लॉकडाउन का बखूबी पालन किया। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि पश्चिम बंगाल राज्य सरकार की ओर से राज्य के सभी रेशन डीलरों को एक निर्देश जारी किया गया, जिसके तहत राज्य के सभी रेशन कार्ड धारी आम लोगों को 1 अप्रैल से आने वाले कुछ महीने तक मुफ्त में चावल और आटा दिया जाएगा। सिर्फ तेल और चीनी पर जो मूल्य निर्धारित की गई है उसे भुगतान करना होगा। हमारी टीम ने सभी रेशन डीलरों के पास जाकर सभी बातों की जानकारी ली। सूत्रों के अनुसार यह पता चला कि सभी रेशन दुकानदारों ने सोशल डिस्टेंस का पूरा ध्यान रखते हुए लोगों को दूरी बनाकर लाइन लगवाए गए थे और लाइन के लिए गोल घेरे भी बनवाए गए थे। रेशन डीलरों का कहना है कि राज्य सरकार की ओर से पूरी मदद की जा रही है और खोरीबारी पुलिस प्रशासन की ओर से भी पूरी सहायता की जा रही है, जिससे कि किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो। आप रेशन डीलरों की बातों को उनकी जुबानी सुन सकते हैं। সকালবেলা একটু ভিড় বেশি ছিল, তারপর পুলিশ এসে লাইনটা ঠিক করেছে। আপনাদেরকে ঠিকভাবে সহযোগিতা করছে? মাল আপনার যে রাজ্য সরকার থেকে মালটা ভালো করেই আসছে, তো একদম ভরপুর মাত্রায় পেয়েছেন, তো অসুবিধা কোনো ফিল হচ্ছে না। মানে প্রত্যেকটা মানুষই পাবে, প্রত্যেক মানুষ পাবে। সে টাইম আজকে না পায় কাল পাবে, মানে আমরা 15 দিন এই মালটা কন্টিনিউ দিতে থাকবো। तो दोस्तों, अपने घरों में सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।